हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट। देखो, एक वाटर टैंक दिया है, उस वाटर टैंक के अंदर क्या बने हुए हैं, स्टेप्स बने हुए हैं, दैट मीन्स कि सीढ़ियाँ बनी हुई है। अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप द एज फॉर द फर्स्ट स्टेप। देखो, जो मंकी है वहाँ पे, मंकी क्या है, फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, मतलब सबसे ऊपर वाले स्टेप पे वो बैठा हुआ है। देन द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल कहाँ है, 9th स्टेप। ऐसे 1, 2, 3 ऐसे जब 9th स्टेप पे आप पहुँचोगे तो वहाँ से वाटर स्टार्ट होता है, वाटर का लेवल स्टार्ट होता है। सो इस तरह से आपका फिगर दिया गया है, मंकी है, इस तरह से स्टेप्स बताया गया है आपके बुक में। तो ऐसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इसमें से। फर्स्ट आपका है, ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। क्या करता है, जब मंकी फर्स्ट पे है, 3 स्टेप वो आगे जाएगा, 2 स्टेप बैक होगा, ठीक है। हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। वो जब भी जंप करेगा, पहले क्या करेगा, 3 स्टेप नीचे गया, 2 स्टेप बैक, फिर आगे 3 स्टेप आगे जाएगा, 2 स्टेप बैक, देन आगे ऐसे डाउन होगा 3 स्टेप, देन 2 स्टेप अप होगा। इस तरह से मंकी जंप करते हुए वाटर लेवल पे जाएगा। देन उसको कितने जंप करने पड़ेंगे कि वाटर लेवल पे पहुंच जाए। देखो, अब वो जिस साइड जा रहा है, मान लो अगर वो जा रहा है आगे साइड, तो उसका जो यहाँ पे ए लेवल होगा ये चीज़, अब सपोज ये क्या है, जंप कर रहा है, वाटर टैंक है, ठीक है, नीचे साइड जा रहा है, तो नीचे साइड क्या होगा इसका, यहाँ पे ये, यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और जब जैसे वो बैक होगा, दैट मीन्स अप साइड आएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को कुछ इस तरह से आएगा। देखो, सबसे पहले हम लिख लें इसको क्या होगा, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर किसको कंसीडर करेंगे, किसको निगेटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे। तो लेट अस कंसीडर स्टेप मूव डाउन आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो, जब वो स्टेप क्या नीचे जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। अब बैक होगा, मतलब उल्टा जाएगा, तो क्या होगा, वो निगेटिव इंटीजर से। देयरफॉर देन स्टेप मूव्ड अप आर रिप्रेजेंटेड बाय अ निगेटिव इंटीजर्स। नाउ अब यहाँ से हम आप समझते हैं, देखे कौन से यहाँ पे स्टेप कितना वो जंप करेगा, मान लो फर्स्ट जंप करेगा, सेकंड ऐसे, थर्ड, फोर्थ ऐसे, कौन से जंप पे वो पहुँच जाएगा वाटर लेवल, दैट मीन्स 9 स्टेप पे। तो मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से रख दिया गया है, ठीक है। एक मैंने लाइन, सपोज मैं इस तरह से भी बना दूँ, तो आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से होगा। तो मैंने इसको इस तरह से बनाया, जिसको आप, जिससे आपको समझ में आए। तो वाटर लेवल पे जा रहा है, यहाँ पे 9 स्टेप, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। ये यहाँ पे टॉप पे मंकी बैठा हुआ है फर्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे क्या है, वाटर है, यहाँ पहुँचना उसको। अब कितना जंप करेगा, देखो फर्स्ट टाइम जब वो जंप करेगा आगे, इधर साइड, नीचे साइड, इस साइड जा रहा है, क्योंकि इस साइड जाना है, इधर जाएगा तो बैक होगा, इस साइड आएगा तो मैं ये पहले 3 स्टेप जंप करता है, जैसे 1 से यहाँ पे डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, 4 पे, है ना, जंप करेगा तो देखो 1, 2, 3 स्टेप हुआ, तो ये डायरेक्ट जंप किया है कहाँ पे, 4 पे, तो इसका ये फर्स्ट जंप होगा, 4 पे आ गया। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे एरो दिखाया गया, फर्स्ट जंप इस तरह से आया इधर, अब 2 स्टेप क्या हो रहा था, बैक हो रहा था ऑलवेज, एक बार 3 स्टेप आगे, 2 स्टेप क्या होगा, पीछे। तो 2 स्टेप देखो, 4 से 2 स्टेप पीछे जाएगा तो किधर आएगा, इधर 2 पे आएगा ना, देखो ये सेकंड स्टेप पे आ गया, 2 स्टेप आया तो सेकंड पे आ गया, ये आपका सेकंड जंप हुआ उसने किया। अब यहाँ से क्या करेगा, 3 स्टेप आगे जाएगा वो, तो थर्ड जंप देखो यहाँ से लगाया, कहाँ पे आ गया, 2 और 3 कितना होता है, 5, तो 5 स्टेप पे पहुँच गया थर्ड जंप में। अब अगेन 2 स्टेप क्या होगा, पीछे होगा इस तरह से, तो कहाँ पे आ गया है, 3 स्टेप पे आ गया। अगेन ये क्या हो गया, इसका फोर्थ जंप है, देखो ये राइट, यहाँ पे राइट किया गया। फिफ्थ जंप वो करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे 6 पे, फिर 2 स्टेप बैक, 4 पे, ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, ये जंप करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, कहाँ पे पहुँचेगा, 9 स्टेप पे पहुँचेगा। तो देखो लास्ट जंप इसका होगा यहाँ से, कुछ इस तरह से होने वाला है, लास्ट जंप इसका है यहाँ से, देखो इस तरह से ये रहा पहुँचा, 6 to 9 पे लास्ट जंप कहाँ पहुँचा,
629 पे। ये जंप कौन सा नंबर का है? 11th जंप है इसका। तो 11 जंप पे क्या करता है, वो वाटर लेवल तक पहुंच जाता है। तो इसको हमें राइट डाउन करना हो तो कैसे राइट करेंगे, तो देखो फर्स्ट जंप में क्या हो रहा था, पहले पे था तो ठीक है, 3 स्टेप आगे जाना था, उसको +3 करो तो 4 स्टेप पे पहुंच गया था यहाँ पे। एंड स्टेप सेकंड, देखो सेकंड जंप में क्या किया, वो कौन सा स्टेप पे पहुंचा, 4, देखो 4 हुआ था टोटल, 4 स्टेप था, 2 जब बैक हुआ तो 4 - 2 कितना हो गया यहाँ पे, 2 स्टेप, मतलब सेकंड स्टेप पे यहाँ पे, जैसा मैंने यहाँ पे एरो में बताया हुआ है। इसी तरह आप लिख सकते हो, अभी जो 2 आया इसमें 3 को ऐड करो, ऐड कर दिया 5 पे आ गया। देन फोर्थ जंप पे क्या करेगा, ये 2 स्टेप बैक हो गया, 5 - 2 दैट मीन्स 3 स्टेप पे पहुंच गया। ऐसे आपको 11 स्टेप जहां तक नहीं आया उसे करते जाना है, पहले 3 को ऐड करना है, 2 को सबट्रैक करना है, 3 को ऐड करना है, 2 को सबट्रैक करना है, ऐसे करते जाना है। तो देखो फिफ्थ जंप में क्या किया, 3 यहां पे 3 आया था ना 3 स्टेप पे, तो इसमें 3 ऐड किया, 6 पहुंच गया। अब 6 में से 2 को सबट्रैक कर दिया, 4 पे आ गया, 4 में से अब 3 को ऐड करेगा यहां पे, ऐड किया 4 + 3 = 7। देन लेस्ट आगे वाला स्टेप क्या हुआ, 7 में से 2 - 5 स्टेप पे पहुंचा, आगे 5 + 3 = 8, देन 8 - 2 = 6। तो 11 देखो, अब 6 में अब 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 9 स्टेप पे पहुंच गया। बट जंप कौन सा था इसका, 11th, देयरफॉर यू कैन से दैट मंकी विल रीच एट 9 स्टेप बाय 11th जंप। ओके, जब वो 11th जंप करेगा तो आएगा, ही विल रीच 9th स्टेप इन 11th जंप, यहाँ पे 11th जंप पे आप वो रीच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है इसका, 10 का। सेकंड इसी में क्वेश्चन दिया गया है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, अब क्या किया है, वो गया है वाटर लेवल पे पहुँच गया, अब उसे बैक होना है, ठीक है, वापस से क्या करना है, उसको ऊपर जाना है टॉप पे। ही वॉन्ट टू बैक गो बैक फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप। देखो अब उसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई, तो 4 स्टेप, अभी तक 2 स्टेप बैक हो रहा था, अब क्या करेगा, 4 स्टेप ऊपर जाएगा और 2 स्टेप नीचे आएगा। 4 स्टेप क्या कर रहा है वो, अपसाइड एंड 2 स्टेप यहाँ डाउन साइड इन एवरी मूव। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक एट द टॉप। देखो सिंपल मैं बात करूँ तो 9 पे है वो, तो पहले 4 पे जाएगा, तो 9 क्या होगा आपका, यहाँ पे 9 सबट्रैक होगा इस तरह से, ठीक है, तो आएगा 5, देन अगेन 2 स्टेप आ गए तो +2 क्या आ गया, 7 स्टेप। देन 7 में से आप क्या करोगे, 4 को माइनस तो 3, 3 में से आप क्या करोगे, 2 को ऐड करोगे तो क्या आ गया, 5, अगेन क्या होगा, 4 स्टेप, तो 1, इस तरह से आपको करना है, पहुंच जाएगा लास्ट 1, 2, 3, 4 स्टेप में इस तरह से पहुंचेगा। तो देखो यहाँ पे ये रहा फिगर, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 9th पे है, ठीक है, फर्स्ट जंप किया कहाँ गया, 9 - 4 करोगे तो, क्योंकि 4 जंप हो रहा है ना तो निगेटिव इंटीजर्स होगा, वो अपसाइड जाएगा तो 5, तो यहाँ से 9 से कहाँ पहुँचा, ये 5 पे पहुँच गए, फर्स्ट जंप हुआ। अब 2 स्टेप क्या होगा, वापस से नीचे चला जाएगा वो, यहाँ पे 7 पे आ जाएगा, ये सेकंड जंप हुआ, अगेन 7 पे आया, 4 जंप ऊपर जाएगा, तो 7 में से 4 को सबट्रैक करोगे तो क्या आएगा आपका, 3, तो 3 यहाँ पे आ गया। फिर अगेन क्या होगा, 2 स्टेप बैक, तो 4 जंप आ गया। अब 5th जंप में क्या करेगा, वो पहुंच जाएगा टॉप पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 में से आप क्या करोगे, सबट्रैक करोगे तो 4 को, तो कहाँ आएगा, 1, आप इसी को 1 स्टेप पे ही पहुंचना है, फर्स्ट मतलब टॉप पे, तो कितना जंप किया, 5th जंप पे क्या होगा, पहुंच जाएगा। दस मंकी रीच बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप इन 5th जंप, कौन से जंप पे, 5th जंप पे वो रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप मॉब डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मॉब्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो उल्टा, अभी तक हमने जो कंसीडर किया तो नीचे जा रहा था हमने उसको पॉजिटिव लिया था, ऊपर वाले को नेगेटिव लिया था। अब इसने बोला कि जो भी मान लो वो क्या हो रहा है, डाउन साइड जाएगा तो उसको आपको नेगेटिव इंटीजर्स कंसीडर करना है, इसको अपसाइड जाएगा तो उसको पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंपेयरिंग, तो ऐसा लिखा है, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन Part 1 and Part 2। Part 1 में क्या हो रहा था, जैसा उसने मूव किया था उसको आपको डिनोट करना है, एंड कंप्लीटिंग द फॉलोइंग ए एंड बी, दो इस तरह से दिया गया क्वेश्चन। तो -3 + 2 इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो वो 2-3 स्टेप क्या होगा, डाउन जा रहा है,
इसलिए -3 दिया है। आगे आपको कहाँ तक जाना है, -8 तक इस तरह से आंसर लाना है, ठीक है, आना चाहिए। तो पहले 3 स्टेप क्या होगा, वो नीचे जाएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर, इस तरह से इसमें दिया गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप डाउन मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, देन इसने पूछा भी है कहाँ गया, ये कह रहा, देन द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। देखो, मंकी मूव्स इन पार्ट वन में इसका मूव्स देखते हैं, क्या था, इस तरह से था, -3 + 2, आगे क्या करोगे, -3 ऐसे +2 करते जाओगे। तो देखो यहाँ पे कितना स्टेप, 9th तक वो करना था ना हमें, तो 9th, देखो 9th हमें जंप कर रहा था, तो यहाँ पे 9th तक आपको ऐसे लिखते जाना है, -3 + 2 -3 + 2, ऐसे आपको जब ये चीज़ें 9th तक पहुँच जाए वहाँ स्टॉप कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 11, क्योंकि 9th तक यहाँ पे करना है, तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आएगा, देखो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, ओके। तो इसने कितना जंप किया था पहले वाले में, आपको याद होगा 11 जंप किया था, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 11 टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। 9th स्टेप तक पहुँचना हो तो सही है, बट जंप कितना किया था उसने, याद होगा तुमको, 11 जंप। तो 11 जंप कैसा था, एक बार 3 स्टेप वो जा रहा था नीचे, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 11 टाइम है। अब इन दोनों को आप इस सब को ऐड करोगे तो देखो क्या आने वाला है आंसर। पहले माइनस वाले को आप ऐड कर डालो, माइनस वाला देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 3 क्या होता है 18, -18 लिख दिया, तो 1 2 3 4 5, ये जो 2 2 दिया हुआ है प्लस में, ये 5 टाइम है, तो 5 2 10, तो -18 + 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -8। यहाँ पे यही हमें करना था इसमें, फर्स्ट में आ गया, देयरफॉर RHS इज इक्वल टू -8 हमने ला दिया, जो LHS हमने लेके RHS को ला दिया। अब इसी तरह बी में करना है हमें, बी में आपको याद होगा तो देखो यहाँ पे आंसर इस तरह से लिखना है, मूव्स इन पार्ट वन रिप्रेजेंट्स मंकी इज गोइंग बाय 8 स्टेप बिकॉज निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नाउ मंकी मूव्स इन पार्ट वन, देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले इसका देख लो, मूव्स इन पार्ट वन रिप्रेजेंट मंकी इज गोइंग बाय, अगर आपने उल्टा कर दिया था ना साइन को, जैसे नीचे जा रहा है तो आपने निगेटिव लिया, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे कितना स्टेप होगा गोइंग डाउन, 8 स्टेप क्या होगा नीचे साइड का, ठीक है, क्योंकि निगेटिव इंटीजर यहाँ पे डिनोट किया गया है, 8 स्टेप डाउन मूव पार्ट वन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पार्ट टू था आपका, ऐसा दिया गया था माइनस, यहाँ पे +4 -2 +4, दैट मीन्स 4 स्टेप क्या कर रहा था, ऊपर साइड एंड 2 स्टेप नीचे साइड, उल्टा कर दिया ना। अब ऐसे कितने स्टेप में वो पहुंचा था जंप में, आपको पता होगा 5th जंप में वो पहुंचा था, सेकंड पार्ट जो हमने किया था, तो इस ऐसे आपको 5 टाइम लिखना, जैसे 4 -2 + 4 देन -2 + 4, ऐसे 5 टाइम आपको 5 ऐसे लिखने हैं। बाद में इसको सम करना है, सब्ट्रैक करना है, जो आंसर आएगा देखते हैं अब इसको। तो 4 - 2 हमने लिख दिया LHS, ठीक है, जो हमको दिया गया था ये LHS है, इसमें से ले लिया LHS, लिख डाला। अब देखो 4 4 4, 3 टाइम, 4 3 12 एंड 2 2 आपका आएगा यहाँ पे 4, तो 12 माइनस आपका आया 4, 12 माइनस 4 करोगे तो आंसर क्या आया आपका 8, यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या आ गया आंसर 8। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, RHS लिख दिया, मूव्स इन पार्ट वन रिप्रेजेंट्स मंकी इज गोइंग अप 8 स्टेप, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मंकी 8 स्टेप जाएगा किस साइड, ऊपर साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स डिनोट किया गया। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 10 पूरा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज, आगे का जो एक्सरसाइज है उसके पहले का इंट्रोडक्शन।